हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास ये गाड़ी है किया, इसमें प्रॉब्लम है, इसकी बैटरी डिस्चार्ज होती है। ठीक है, ये किया गाड़ी है, आप लोग देख सकते हैं। कस्टमर की कंप्लेंट है कि इसकी बैटरी हो रही है डिस्चार्ज। जैसे मैं इसको घर पे खड़ी करता हूँ एक दिन के लिए, तो नेक्स्ट डे ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, इसकी बैटरी हो जाती है डिस्चार्ज। ये गाड़ी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम कॉमन है, ये कोई ज़्यादा वो नहीं है, आ जाती है। कोई चीज़ शॉर्ट हो रही हो वायरिंग वगैरह, या कुछ चीज़ ऑन रह जाती हो, कुछ चीज़ ख़राब हो, कोई मान लो हेडलाइट का बल्ब है, या हमारा ये स्टीरियो है, या ये वाली लाइट है, ये वाली आप देखते ऊपर लगी छत में, ये मतलब ये चीज़ कॉमन है, इसमें प्रॉब्लम आ जाती है गाड़ियों में। उसको बोलते हैं कि बैटरी डिस्चार्ज होना, कि बैटरी हमारी डिस्चार्ज हो रही है। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, मल्टीमीटर से भी चेक करवाऊंगा, और एक आईडी बल्ब होता है छोटा सा एक, इसको बोलते हैं पार्किंग बल्ब, उससे मैं आपको चेक कराऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि इस गाड़ी में कहाँ डिस्चार्ज हो रही है, और आप लोग उस चीज़ को कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं गाड़ी के बाहर चल के आप लोगों को बताऊंगा कि आप इसको कैसे चेक करोगे मल्टीमीटर से। पहले आपको बताऊंगा कि मल्टीमीटर से आपको कैसे चेक करना है। मैं मल्टीमीटर ले आता हूँ उठा के, और आप लोगों को बताता हूँ। पहले आप लोगों को क्या करना है, ये मल्टीमीटर आप लोग दे सकते हो, ठीक है। इसकी एक बार तो लगानी है कॉमन पे, ठीक है, और दूसरी बार लगानी है 10 एम्पियर पे, और इसको आपको 10 एम्पियर पर स्टार्ट कर देना है। आप लोग देख रहे होंगे, 10 पे कर लो, 20 पे कर लो, वो तुम्हारी मर्जी की, जो तुम्हारे पर डिपेंड करता है आपको कैसे करना है। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसको मल्टीमीटर से कैसे चेक करते हैं, ठीक है। एक बार लगानी है आपको कॉमन पे, और एक आपको स्टार्ट कर देनी है 10 एम्पियर पे। ये रहा 10 एम्पियर, मैंने इसको यहाँ स्टार्ट कर दिया है। अब मैं गाड़ी के बाहर जाकर आपको चेक कराता हूँ। मैंने गाड़ी स्टार्ट की है इसलिए कि ताकि इसकी थोड़ी बैटरी चार्ज हो जाए, क्योंकि ध्यान रहे जब भी आप ये चीज़ चेक करो तो बैटरी फुल होनी चाहिए आपकी, बैटरी फुल हो, और गाड़ी को लॉक करके आपको चेक करना है। स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह आप ये फॉल्ट कैसे क्लियर कर सकते हो। आपको मैं बताऊंगा मल्टीमीटर से भी और एक पार्किंग बल्ब से भी, ये बहुत तरीके से चेक होता है। जितने भी तरीके हैं इसके चेक करने के, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ गाड़ी के बाहर जाके। अब आप लोग बड़े ध्यान से देखें, एक बार तो आपको लगानी है यहाँ पे, ठीक है, जो इसका नेगेटिव टर्मिनल है, इस पर लगा देनी है आपको एक वायर, और इसका जो टर्मिनल है दूसरा, ये रहा एक वायर है मल्टीमीटर की, जो दूसरी वायर है ये रही, ये वाली, ये लगा देनी है इस पर, इसके टर्मिनल पे। ठीक है, जो इसकी ये वायर है ये लगानी है आपको बैटरी इस टर्मिनल पे, आप देख रहे हो, और एक बार लगानी है आपको यहाँ। अब आप देखें रीडिंग हमारा 3.8 का जो करंट है इसमें डिस्चार्ज हो रहा है। अब आपको क्या करना है, जितने भी से फ्यूज लगे हुए हैं ये आपको निकालना है एक एक करके, ठीक है। ये फ्यूज है, निकाल लें आपको, आप सारे भी निकाल सकते हो, एक एक करके निकाल सकते हो, तुम्हारी ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहो तो एक एक निकाल लो, और आप चाहो तो सारे निकाल लो। रीडिंग सेम है, अभी ऐसे ही फ्यूज निकालने हैं एक एक करके, ठीक है। और चेक करते जाना है कहाँ रीडिंग 0-0 हो रही है।
आप लोग देख रहे हैं अभी रीडिंग सेम है। इसी तरीके से आपको सारे फ्यूज निकालने हैं और सारे जितने भी इसमें वो लगी हुई है रिले, ये निकालनी है। ठीक है, मैं एक बार ये निकाल कर चेक करता हूँ फिर आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी कोई फ़ायदा नहीं होगा। और मैं आपको समझाऊँगा ये जो बल्ब है मेरे पास, इस बल्ब से इसको कैसे चेक कर सकते हैं। सेम ही वो है इसकी भी, बल्ब से कैसे चेक करते हैं, अल्टरनेट इससे मल्टीमीटर से कैसे चेक करते हैं। अब मैंने इसके फ्यूज़ निकाले, ये फ्यूज़ निकाले, गाड़ी सेम ही है, अभी 0-0 नहीं हुआ यहाँ पर। मैं इसके सारे ये रिले निकालता हूँ, ये बड़े फ्यूज़ निकालता हूँ और तब आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। वीडियो को मैं ही रोक देता हूँ, ठीक है, चेक कर लेता हूँ पहले मैं। फ्रेंड्स, मैंने इसके बाहर के सारे चीज़ चेक की है, फ्यूज़ रिले, यहाँ कोई भी ऐसा कोई फ्यूज़ नहीं है, ऐसे कोई रिले नहीं है जो करंट डिस्चार्ज कर रही हो। ठीक है, सेम रीडिंग है अभी इसकी, मैंने सब लगा दिए चेक एक एक निकाल के। अब इसके अंदर के फ्यूज बचे हैं, अब मैं इसके अंदर फ्यूज चेक करूँगा, ऐसे ही एक एक फ्यूज निकाल के चेक करूँगा। ठीक है दोस्त, अब मैं गाड़ी के अंदर जाता हूँ और चेक करता हूँ इससे एक एक फ्यूज़। फ्रेंड्स, मैं दो वायर जो ला हूँ बाहर से ले आऊँ, इनको भी निकाल के बैटरी पे से, ये दो वायर है, ये मिल जाए बैटरी पे से। ठीक है, और मैंने यहाँ जोड़ दिए हैं सेम, एक इसमें जोड़ दिए यहाँ और एक इसमें जोड़ दिए हैं यहाँ। ठीक है, आप लोगों को दिखाने के लिए अंदर फ्यूज चेक करने के लिए, ये आप लोग दे सकते हो, रीडिंग अभी सेम ही है। अब मैं इसका एक एक फ्यूज़ निकाल के चेक करता हूँ अंदर भी। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं इसका फ्यूज़ निकालता हूँ और फिर चेक करता हूँ। मैं इसका एक एक फ्यूज़ निकाल रहा हूँ और चेक करके आप लोगों को दिखाता हूँ। सेम है अभी, मैं इसका एक एक फ्यूज निकाल रहा हूँ। अभी सेम ही चल रही है, अब देख रहा हूँ फ्यूज निकाल रहा हूँ एक एक, और अभी फ्यूज निकाल रहा हूँ मैं, अभी सेम ही है। मैंने इसका फ्यूज़ बॉक्स का फ़ोटो खींच लिया है कि कौन सा फ्यूज़ कहाँ लगा हुआ है, बाद में मैं ऐसे लगा दूँगा। गाड़ी मैंने लॉक की है, गाड़ी के अंदर हूँ मैं। हेलो, देख सकते हो ये है, कौन सा फ्यूज़ है ज़रा मैं लगा के दिखाता हूँ आपको। पहले ज़रा मैं फ्यूज़ लगा के चेक कर लूँ, कंफर्म यही फ्यूज है ना। हाँ, देखो आप लोग देख रहे हो रीडिंग कितनी हो गई। अब मैं ये फ्यूज़ निकालता हूँ, आप लोग देख सकते हो ये वाला फ्यूज़ है वो। ठीक है, शायद नंबर कोई और सा है इसका, मैंने ये फ्यूज़ निकाला। ठीक है, आप रीडिंग यहाँ देख सकते हो, 0-0 हो गई, 0.1267 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब मैं फ्यूज़ यहीं लगाता हूँ, ये लगा दिया और आप देख सकते हो रीडिंग आ गई पूरी, 30, 40, 35 आ गया ना सेम। अरे, ये मैंने फ्यूज़ निकाला, देखो आप लोग देख रहे हो ये मैं फ्यूज़ निकाल रहा हूँ, अच्छे से देख लेना, बातें मत बोलना कि मुझे अच्छे मेरे माइंड में नहीं आया कि कैसे बताया है, सब मेरे समझ में नहीं आया। मैं ये फ्यूज़ निकाल रहा हूँ, ये बिस्मिल्ला, ये निकाल दे मेरा फ्यूज़, आप लोग देख सकते हो रीडिंग 0-0 हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे ही आप सेम बल्ब से चेक कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको बल्ब से भी चेक करके दिखाऊंगा, मैं एक बार बल्ब ले उठा के आपको बल्ब से भी चेक करा दूँ सेम। आप लोग देख रहे होंगे बल्ब चालू है। ठीक है, ये बार मैं बाहर से लाऊँ निकाल के बैटरी पे से सेम अंदर चेक करने के लिए,
आप लोगों को दिखाने के लिए लाइव। ये बल्ब जल रहा है, अब मैं वो फ्यूज निकालूंगा तुम्हारे सामने ही। बिस्मिल्लाह, ये वाला फ्यूज है, आप लोग देख रहे होंगे, ये मैंने फ्यूज निकाल दिया और ये बल्ब बंद हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, मैं फिर यहीं लगाता हूँ इस फ्यूज को। ये फ्यूज मैंने यहीं पे लगाता हूँ, मैं लग जाए यार, क्योंकि गाड़ी लॉक किया ना मैंने, मैं गाड़ी के अंदर हूँ, लग जा। सही नहीं बैठ रहा मेरा हाथ, सेटिंग नहीं बैठ रही सही। मैंने फ्यूज लगा दिया था, आप इसे देख सकते हो, और ये बल्ब जल गया। ठीक है, अभी चेक करना है फ्यूज किस चीज़ का है, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताता हूँ कि फ्यूज किस चीज़ का है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। कुछ अगर नहीं आपका आया हो समझ में तो नंबर है व्हाट्सएप पे, आप मुझसे रब्ता कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। ये तरीका है इसका चेक करने का, मल्टीमीटर से भी और बल्ब से भी। ठीक है फ्रेंड्स, ये वायर मैं यहाँ से ले गया था अंदर, एक बार यहाँ लगाएगा और एक बार यहाँ पर लगाएगा, आप लोग देख सकते हो, एक बार मैंने यहाँ लगाई थी, एक बार यहाँ लगाई थी, और ये वायर मैं गाड़ी के अंदर ले गया था, गाड़ी लॉक थी ना। अब मैं आप लोगों को एक तरीका और बताता हूँ उसका चेक करने का, वो तरीका ये है। अब इसको आप निकाल दीजिए और इसको भी निकाल दीजिए, ठीक है, वायर निकाल दीजिए, ये बैटरी की वायर लगा दीजिए, इस बैटरी पर, ठीक है। एक तरीका इसका ये होता है चेक करने का, ठीक है, मैंने लगा दिया, ये दोनों तार लगी हुई, एक पर लगी, इस पर लगी हुई, बैटरी का सेम ट्रिमिंग मैंने लगा दिया है। अब गाड़ी के अंदर जाते हैं, ये तो वायर थी जो मैंने निकाल दी जो मैं लेकर आया था अंदर। अब तुम्हें क्या करना है, सेम पोजीशन पे मल्टीमीटर है, आप लोग देख सकते हो, कोई चेंजिंग नहीं है, ये कॉमन पे है और ये 10 एम्पियर पे है। अब आप लोगों को क्या करना है, ये एक पिन है मल्टीमीटर की वायर है एक, ये इसको आपको लगानी है फ्यूज़ बॉक्स निकाल के, एक फ्यूज़ निकाल के एक साइड में लगा दी। अब इसकी दूसरी जो पिन है, सॉरी यार अकेला है, सपोज करो आपको, आपने इसको यहाँ लगा दी, ये आपको लोग देख रहे होंगे, आपने इसको लगा दी इस साइड में, लगा दी, और ये पिन लगाओ इस साइड में, ठीक है। अब अपना मल्टीमीटर चेक करो, 0-0 बता रहा है, ठीक है, यानी यहाँ से करंट डिस्चार्ज नहीं हो रहा है। एक तरीका इसका ये चेक करने का ये भी है, सेम पोजीशन में मल्टीमीटर लगा हुआ है, फ्यूज़ निकाल के एक पिन इस साइड लगाओ, एक पिन इस साइड लगाओ, जैसे मैंने लगाई है, एक इधर लगाई, एक मैंने इधर लगाई है, ठीक है, कोई भी करंट डिस्चार्ज नहीं हो रहा है। अब जिस फ्यूज़ में डिस्चार्ज हो रहा है करंट, मैं वो फ्यूज़ निकालूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा। चलो उसको करते हैं ऐसे, ये वाला वो फ्यूज़ है, ये वाला, इसमें करंट डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, निकाल दिया। हम सेव ऐसे ही करना है, सेम पोजीशन, एक पिन इधर लगानी है, पिन थोड़ी बारीक है ये, ठीक है, और दूसरी पिन लेके इधर लगानी है, आप लोग देख सकते हो 3.32 पे आ गया है, यानी यहाँ से करंट डिस्चार्ज हो रहा है। एक तरीका इसका चेक करने का ये है, ठीक है फ्रेंड्स। अब जो जो तरीके इसके थे मैंने आप लोगों को बता दिए, आप तीन तरीक़ों से बैटरी डिस्चार्ज की प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हो, मैंने तीनों तरीके आपको बता दिए, ठीक है फ्रेंड्स। फिर मैं एक बार रिपीट कर दूँ,
फ्यूज़ निकाल के चेक करना है आपको, एक पिन यहाँ लगानी है मल्टीमीटर की वायर की और एक पिन लगानी है दूसरी साइड में ऐसे। आप लोग देख सकते हो यहाँ से हमारा करंट डिस्चार्ज हो रहा है, आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ इसीलिए। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। और अगर आपको कुछ पूछना है तो व्हाट्सएप पे आप मुझसे रابطہ कायम कर सकते हैं, मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपके लिए हम 24 घंटे हाजिर हैं आपकी सेवा में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखें, अस्सलाम वालेकुम।